अपने हुनर से अब हम अपने सपनों को साकार करेंगे, मुश्किल को अब हम अपनी हिम्मत के आगे लाचार करेंगे। इन बढ़ते कदमों की रफ्तार अब बस बढ़ती ही जाएगी। बेकारी नहीं होगी जीवन में, खुद को ऐसे तैयार करेंगे। बेरोजगारी उस दीमक की तरह होती है जो इंसान को चाट चाट कर अंदर से खोखला कर देती है। रोजगार नहीं होता तो जिंदगी एक बोझ बनकर रह जाती है। ऐसे बहुत सारे औरत, मर्द और लड़के लड़कियां हैं जिनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं होता, मगर काम करने का बहुत जुनून होता है। ऐसे ही जुनूनी और पढ़े लिखे लोगों के लिए माननीय आमदार राम कदम जी ने अपनी आंखों से इन लोगों के लिए एक सपना देखा, ताकि ये लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इसी सोच के साथ माननीय आमदार राम कदम जी ने एक सराहनीय कदम उठाया और ऐसे सभी बेरोजगार औरतों, मर्दों और नौजवान लड़के लड़कियों को फ्री में मोटर ट्रेनिंग की सुविधा शुरू करवाई, ताकि गाड़ी चलाना सीखने के बाद ये लोग एक दिन अपनी कमाई से अपने लिए गाड़ी खरीदें और एक खुशहाल जीवन व्यापन करें। नमस्कार, मी दीपा। राम साहेबांनी जी संधी दिली आम्हाला, त्या संधीचा उपयोग केला आणि माझी अशी इच्छा आहे की सगळ्या मुलींनी या संधीचा उपयोग करून घेतला पाहिजे। त्या संधीमुळे मी माझ्या पायावर उभी राहिले आणि मला आता गाडी येते आणि मी असं सरांना प्रॉमिस करते की मी नंतर माझ्या स्वतःच्या पैशांनी गाडी घेऊन मी माझ्या फॅमिलीला फिरवेन। माझं नाव सिद्धेश मोहन भावरे। रामकदम साहेबांनी मोफत ड्रायव्हिंग स्कूल चालू केलं आहे। इथं येऊन शिकावे, ड्रायव्हिंग शिकल्यावर आपल्याला थोडं भविष्यासाठी खूप लाभदायक आहे। तर तुम्ही जेवढं शिकता येईल इकडं रामकदम साहेबांकडे येऊन तुम्ही शिकून घ्यावे। मी रामकदम साहेबांचे आभारी मानतो की त्यांनी मोफत ड्रायव्हिंग स्कूल चालू केलं, त्यात मला शिकायला भेटलं। नमस्कार, मी ललित खरात, घाटकोपर विधानसभा पश्चिममधले लोकप्रिय आमदार श्री माननीय रामकदम साहेब यांच्यातर्फे मोफत ड्रायव्हिंग ट्रेनिंगची जी सुविधा उपलब्ध केली आहे त्यात गेली 4-5 वर्ष सुरू आहे। त्यामध्ये किमान 800 ते 900 पोरं तरी ह्या सुविधेचा लाभ घेतला आहे, त्यामध्ये मी एक आहे। ह्या सुविधेमुळे मला भविष्यामध्ये पुढे खूप फायदा होणार आहे, जेणेकरून मी पुढे जाऊन माझी स्वतःची वैयक्तिक गाडी घेऊ शकतो, माझ्या फॅमिलीला फिरू शकतो किंवा माझा इतर मी बिझनेस वाढवू शकतो, आईबाबांची सेवा करू शकतो, आईबाबांना फिरायला नेऊ शकतो, देवदर्शन करू शकतो। इस काम की शुरुआत करने के पीछे माननीय आमदार राम कदम जी का एक और सपना है, और वो सपना है जैसे पैसे वाले बड़े लोग अपने परिवार को अपनी गाड़ी में घुमाने ले जाते हैं, वैसे ही माननीय आमदार राम कदम जी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सभी लोगों से वचन लेते हैं कि वो अपनी खुद की गाड़ी खरीदें और उस गाड़ी में अपने बच्चों, अपनी पत्नी और अपने बूढ़े माँ बाप को घुमाने लेकर जाएं, सैर सपाटा करें। माननीय आमदार राम कदम जी कहते हैं कि आओ मिलकर घर घर में रोजगार का दीप जलाएं, हिंदुस्तान से बेरोजगारी को कोसों दूर भगाएं। जय हिंद।